बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। व्यवस्था को समझने का साहस वही करता है जो व्यवस्था में जीना चाहता है। और तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। तंत्र वही समझना चाहता है जो तंत्र में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। जो अव्यवस्था में जीते हैं और अव्यवस्था में ही मरते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में मरते हैं, वो टोना टोटका है, वो जादू टोना है, वो झाड़ फूक है, उससे हमें दूर रहना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना है, लोगों को व्यवस्था में लाना है, ताकि जीवन सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हम स्वयं सुखी हों और पूरा समाज सुखी हो और हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो और ज्ञान युक्त भारत हो। ज्ञान युक्त भारत बनने के लिए रोग से और शोक से मुक्ति अति आवश्यक। बिना रोग मुक्ति हुए, बिना शोक मुक्ति हुए, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। असंभव, एकदम असंभव का। इसलिए दरबार ने पहले आपको रोगों से मुक्त किया, शोक से मुक्त किया, अब ज्ञान युक्त बनाने की तैयारी बाबा कर रहे हैं आपसे। तो बिना रोग मुक्त हुए, बिना शोक मुक्त हुए, चीजों से हम बाहर नहीं आते। जो चीजें हमें जीने नहीं देती, समझने नहीं देती, समझ करके व्यवस्था में नहीं जीने देती, तो वो सब चीजें नष्ट हो चुकी हैं, अब वो शेष नहीं। तेरे दरिया के मां सब कष्ट हरे हैं।